ओके द क्वेश्चन इज अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज़ इन इंडिया इनक्लूडिंग द स्मार्ट वन लाइक हैदराबाद एंड पुणे सुजेस्ट लास्टिंग रेमिडियल मयर्स द क्वेश्चन इज अबाउट मिलियन सिटीज़ सो मिलियन सिटी वो होता है जिसकी पॉपुलेशन वन मिलियन या इससे ज़्यादा होती है इंडिया के कई मिलियन सिटीज़ जैसे चेन्नई मुंबई गुरुग्राम हैदराबाद पुणे पटना एट्सट्रा में जब हर साल जब भी हैवी रेनफॉल होती है तो फ्लड जैसी स्थिति देखने को मिलती है इस फ्लडिंग के कई कारण हैं तो बिगेस्ट कॉज है इन एडिक्वेट कैपेसिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़ का सीवरेज सिस्टम या कह के कि ड्रेनेज सिस्टम इस इन सिटीज़ के साइज़ और पॉपुलेशन के हिसाब से एडिक्वेट नहीं है दूसरा ड्रेनेज सिस्टम अक्सर सिल्ट डैब्रिज पॉलिथिन बैग्स लीव्स की वजह से क्लॉग हो जाते हैं जिससे इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तीसरा है कि वेटलैंड जो हैं ये फ्लड वाटर के लिए सिंक का काम करती हैं लेकिन अर्बन एरियाज़ के वेटलैंड्स को रिक्लेम करके वहाँ पर बिल्डिंग्स और एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज यमुना के फ्लड प्लेन्स पर बनाया गया है चेन्नई एयरपोर्ट जो है इसको भी एक वेटलैंड पर ही बनाया गया है एनदर रीज़न इज़ दैट द सिटीज़ को एक कॉन्क्रीट जंगल में कन्वर्ट कर दिया गया है आज के मॉडर्न सिटीज़ में वहाँ पर बहुत कम ओपन सॉयल एरिया है जहाँ से कि रेन वाटर जो है सीपेज के थ्रू या कह लीजिए कि परकुलेशन के, के थ्रू ज़मीन के अंदर जा सके यहाँ तक कि रोड के, के साइड पर जो खाली जगह है और जो पेवमेंट्स फ़ुटपाथ्स हैं वो भी सारी ब्रिक्स और सीमेंट के बने हुए हैं एक और कारण है कि न्यू कॉलोनीज़ के जो डेवलपमेंट करने से संबंधित लॉज होते हैं या टाउन प्लानिंग से संबंधित लॉज हैं और बिल्डिंग्स के लिए जो बड़ी uh, बिल्डिंग्स के लिए जो मैंडेटरी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के संबंधित लॉज हैं इन सब को जो कंसर्न एंड हैं इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं नाउ व्हाट इज़ सॉल्यूशन? एक तो यह है कि सिटीज़ का ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव किया जाए सीवर कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि ये फ्लड वाटर को होल्ड कर सके दूसरा है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है एक क्लॉग नहीं होना चाहिए इसकी रेगुलर क्लीनिंग होती रहनी चाहिए तीसरा है कि अर्बन एरियाज़ में वेटलैंड्स पर इंक्रोचमेंट जो है इसको स्ट्रिक्टली रोका जाए और इसका एनअर सोल्यूशन इसके जो अर्बन एरियाज़ में और ज़्यादा ओपन सोयल एरियाज होना चाहिए रोड साइड्स और पेवमेंट्स जो हैं ये परवियस मटेरियल से कवर होनी चाहिए ताकि इनके थ्रू वाटर सॉयल में परकुलेट कर सकें एंड सिटीज़ में वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम जो है ना इसको क्रिएट करने क्रिएट uh, किए जाने चाहिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जगह जगह क्रिएट किए जाने चाहिए ताकि हैवी रेन के समय एक्सेस सरफेस वाटर रन ऑफ ऑफ रेन वाटर जो है रेन वाटर का एक्सेस सरफेस रन ऑफ है ये इन जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इनमें जा सके तो सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल थैंक यू